ये अवसरवादी पार्टी के और परिवारवादी तक पार्टी नहीं थी, ये तमंचावादी भी थे। युवाओं के हाथों में भी तमंचा पकड़वाते थे और अपराधी और माफिया सिर झुका करके गले में तख्ती लटका करके जीन जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। ये जो तस्वीर थी आज उससे एकदम भिन्न नए रूप में हम लोग आए हैं। 17 के पहले हमारे नगर निकायों की क्या स्थिति थी? 17 के पहले नगर निकाय कूड़े के ढेर दिखाई देते थे, गंदगी अपाम का परंपरा ढेर दिखाई देता था। आज हमारी सिटी स्मार्ट सिटी हो रही है। 17 के पहले नगरीय क्षेत्रों में सौदों का आतंक होता था, आज भाइयों बहनों सौदों का आतंक नहीं, आज हमारी सिटी सेफ सिटी हो रही है, सेफ सिटी। 17 के पहले आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, ये अवसरवादी पार्टी के और परिवारवादी तक पार्टी नहीं थी, ये तमंचावादी भी थे। युवाओं के हाथों में भी तमंचा पकड़वाते थे, आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, आज भाइयों बहनों युवाओं के हाथों में टैबलेट है, टैबलेट। और उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को फ्री में टैबलेट देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। 17 के पहले व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी, व्यापारी और समाज का संभ्रांत और शरीफ नागरिक सिर झुका करके जैसे तैसे इज्जत बचाता था, माफिया और अपराधी सीना तान करके चलता था। आज भाइयों बहनों व्यापारियों को मुख्यमंत्री व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए की सुरक्षा कवर दिया गया है। पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। व्यापारी और समाज का संभ्रांत नागरिक सीना तान करके आज सड़कों पे जान चलना चल सकता है और अपराधी और माफिया सिर झुका करके गले में तख्ती लटका करके जीन जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। ये नया उत्तर प्रदेश है और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों डबल इंजन की सरकार विकास के लिए पैसा भेज सकती है, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग तो हो। इसके लिए डबल इंजन सरकार के साथ तारतम्यता बिठाने वाला बोर्ड होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मत से श्री हरिकांत अहलूवालिया जी को अपना महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है मेरठ नगर निगम में। हरिकांत अहलूवालिया जी के साथ उनका पूरा बोर्ड जीतना चाहिए, पार्षद भी जीतने चाहिए। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भाइयों बहनों विभिन्न नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी अपने